मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 3:9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पर लिखा है जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं। ये क्या कहना चाहता है वचन? यहूदी बन बैठे लेकिन है नहीं। यहूदी का मतलब क्या? यहूदी लोग वो एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग, जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग। वो कभी भी किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाते। जब हाँ मान निकलता था लोग सर झुकाते थे, लेकिन मुर्दकाई जो यहूदी थे वो कभी भी सर नहीं झुकाते थे। हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई और कहा इनकी पूजा करो, उन्होंने नहीं की। दारा राजा ने कानून बनाया कि 30 दिन तक उसी की पूजा की जाए, जो नहीं करेंगे उनको सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। दानियल ने ऐसा नहीं किया। सच्चे यहूदी ऐसा होते, एक ही परमेश्वर वास, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के आगे। उसको बोलते हैं सच्चे यहूदी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सच्चे यहूदी है नहीं लेकिन कहलाते। यूसुफ देखो कि जब उनको जेल में डाल दिए गए, कितना भयंकर दोष लगाया गया था, रेप करने का दोष। और ऐसा इंसान जब वहां पर दो लोग राजा के नौकर आते, एक खाना बनाने वाला, एक पानी पिलाने वाला, और उनको जब सपना आया तो इस सपने कहा कि सपने का अर्थ बताना क्या परमेश्वर का काम नहीं? जेल में होते हुए भी परमेश्वर को महिमा दिया। ये सच्चे यहूदी चाहे उनके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, परमेश्वर को छोड़ते नहीं और परमेश्वर को महिमा देना नहीं छोड़ते। और फिर जब फिर उनके सामने यूसुफ को लाए गए, तब भी उन्होंने परमेश्वर को ही महिमा दी कि सपने का अर्थ बताना परमेश्वर का काम है, वो करेंगे। तो सच्चे यहूदी वो है जो एक ही परमेश्वर को मानते और कभी भी कहीं पर भी अपना सर जो है नहीं झुकाते, और कैसी भी परिस्थिति में वो सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा देते। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है गलातियों में, गलातिया उसका 3:1 और उसका आखिरी वचन 29। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो, मतलब प्रभु यीशु के हो, मसीह धर्म वाले नहीं, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के अंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर तुम मसीह के हो, उनकी बातों को मानने वाले, उनके वचन को मानने वाले, तो क्या लिखा है, तो इब्राहिम के अंश हो। और इब्राहिम के अंश मतलब यहूदी लोगों। अगर आप मसीह के हो तो आप भी किसी के आगे नहीं झुकोगे क्योंकि आप यहूदी हो। और फिर रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया और उसका 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का नहीं। अगर मसीह का आत्मा नहीं आपके अंदर तो आप मसीह के नहीं। बिना पवित्र आत्मा कोई मसीही मतलब यहूदी नहीं बन सकता। तो परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3:7 में कि जो यहूदी बन बैठे लेकिन है नहीं, ऐसे है नहीं। आज भी देखो कितने लोग हैं जो मसीह बनकर बैठे, हम मसीह को मानते हैं, मसीह को मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तो है नहीं उनके अंदर, मसीह का आत्मा उनके अंदर है नहीं। कहीं पर भी झुक जाते, कुछ भी कर लेते, कोई मारिया के आगे झुकता है, कोई आग्नेस के आगे झुकता है, कोई क्रॉस के आगे झुकता है। क्या ये सच्चे मसीह है क्या? नहीं। जो सच्चे मसीह के लोग हैं, जो सच्चे यहूदी है, वो किसी के आगे नहीं झुकते, वो एक ही परमेश्वर को मानते। मर जाएंगे, टूट जाएंगे,
लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उनके अंदर मसीह का आत्मा होता है, पवित्र आत्मा होते है। आप मसीह के हो, जांचो अपने आप को। अगर आपका आत्मा कहता है कि नहीं, तो मेरे प्रिय बन जाओ, पवित्र आत्मा पालो, प्रेरित को ढूंढो, ताकि वो आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, सच्चे यहूदी बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।